तो ये जो है रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है और हम क्या करते हैं विनवर्ड लिखा, सारी जो शेप्स हैं वो इंसर्ट में मिलेंगी। इंसर्ट में गए और शेप्स में आए, सबसे पहली शेप ये रही नीचे, स्क्रॉल करेंगे ये रही सबसे पहली शेप। मैं अंदर का टेक्स्ट नहीं लिख रहा, ये शेप ये रही, राइट क्लिक करके एड टेक्स्ट करेंगे। अब ये मसला आ रहा है इसलिए मेरे को टेक्स्ट लिखना पड़ा। अब मैं इसमें कुछ लिखता हूँ तो ऐसा आ रहा है, तो यहाँ लिखा हुआ टेक्स्ट डायरेक्शन, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, सही हो गया। फिर उसके बाद इसको सेंटर किया कंट्रोल ई से और इंटर करते गए तो ये नीचे आता गया। ठीक है, एक शेप ही हो गई। उसके बाद दूसरी शेप की बात करते हैं, यहाँ पर गए और नीचे स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा तो ये आ गया हॉरिजॉन्टल शेप, मतलब भाई ये शेप भी आ गई। ठीक है, ये शेप बन गई, ये डिलीट करता जाता हूँ मैं, जगह कम। उसके बाद हम वापस शेप कौन सी है, ये इनमें से शेप जो है हमारे पास, एक जो है वो चांद की शेप है। ठीक है, वो चांद की शेप हमने चांद ले लिया। ठीक है, उसके बाद शेप आउटलाइन में गए, उसके वेट को हमने बढ़ाया थोड़ा सा। ठीक है, 2.5 कहलाता है, 2 1/4 का मतलब है 2.5, इसको हमने बढ़ाया। अब उसके बाद शेप आउटलाइन में जाके डैश स्टाइल में जाएंगे और ये वाला स्टाइल ले लेंगे तो ये बन जाएगी हमारे पास, ये भी बात हो गई। उसके बाद बात करते हैं स्टार की, स्टार आपको मिलेगा कहाँ पर, ये रहा स्टार्स एंड बैनर्स, ये आपको स्टार मिल गया, स्टार बनाया, शेप आउटलाइन में गए। ठीक है, डैशेज स्टाइल में आए, डैशेज में मोर लाइंस में गए, आपका दिखेगा स्टाइल, यहाँ पर दिखेगा 3PT लिखा हुआ डबल अंडर लाइन होके, ये स्टार भी बन गया। अब बात करते हैं राउंडेड रेक्टेंगल की, अगर आप यहाँ पर देखो तो ये लिखा हुआ दिखेगा आपको राउंडेड रेक्टेंगल, ये लिया इसको क्रिएट कर दिया, शेप आउटलाइन में गए अगेन इसका वेट बढ़ा दिया। ठीक है, डिलीट। और कर्ली ब्रेसेस चाहिए, कर्ली ब्रैकेट्स, यहाँ आए और यहाँ पर आपको दिखेंगे ये रहे, आपने ऐसे इसको क्रिएट किया। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट में गए, ये शेप में गए, यहाँ पर क्लिक किया, ऐसे इसकी सीध में ऐसे ऐसे लो आप और ऐसे इसको भी क्रिएट करो, क्रिएट कर दिया हमने। ठीक है, अब शिफ्ट दबाओ, इस पर क्लिक करो, दोनों सिलेक्ट हो गए। शेप आउटलाइन में जाने के बाद इनको दोनों एक साथ मोटे हो गए। ठीक है, इनकी थिकनेस बढ़ा दी हमने, इसको वेट कहते हैं, ये बात हो गई। और आपको क्यूब चाहिए, क्यूब यहाँ से मिलेगा। ठीक है, पहले देखो सिलेंडर देख लेते हैं, ये सिलेंडर मिल गया, सिलेंड्रिकल शेप। उसके बाद यहाँ पर जाके शेप में ही सारा कुछ है, यहाँ पर जाके आपको क्या मिलेगा, एक ये भी शेप थी हमारे पास, क्वाड एरो कहलाऊँ, ये शेप है हमारे पास, यहाँ से मिल जाएगी आपको। स्ट्राइप एरो है, ये भी मिल जाएंगे, ये रहा स्ट्राइप राइट एरो, ये देखो आप, ये मिल गया आपको। पैनल को बंद करते हैं, और क्या चीज़ है, रिबिन, रिबिन कहाँ पर मिलेगी, यहाँ बैनर्स में ये रिबिन, ये अप रिबिन है, ये डाउन रिबिन है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी बनी हुई है, यहाँ पर अप रिबिन है, तो ये वाली रिबिन लेके इसको हम ऐसे क्रिएट करेंगे और एड टैक्स भी कर सकते हैं। सारी शेप्स हो गई, ये कुछ रह गई, क्यूब रह गया, क्यूब नहीं बनाया हमने, क्यूब ढूंढो कहाँ पर है, क्यूब ये रहा, लिखा हुआ आएगा शेप के ऊपर क्यूब, ये देखो। ठीक है, सारी शेप मैंने बना के दिखा दी।